तूने मुझे इतना कंट्रोवर्सी में डाला, तू फेम में आया है, उसके बाद बकवास मत करियो मेरे साथ, बिल्कुल भी बकवास मत करियो। मां चोतूंगी जहां बैठा वही जाके मां चोतूंगी मैं तुम्हारा। अरे साहिल सैनी भाई, प्यार से बात कर ले, छुट्टी करनी है पति से बात कर ले, बदतमीजी से करेगा ना, वही जा बैठा ना वही बहन जो, दो मिनट लगेंगे कनाडा में। आप क्या व्यवहार करोगी? बना दिया ना, मेरा नाम बदल दिया भोसड़ी के। अच्छा तो आप आपका व्यवहार कहाँ पे चालू करोगी? कनाडा में आपका व्यवहार शुरू करोगी? तेरे कान में दम हो तो गुड़गांव में आजा, चल आजा गुड़गांव में। जैसे महाजन पिटाना ऐसे तू ना पिटाना, वो तो कुछ नहीं पिटा, तेरी जो गांड लाल होगी ना थोपड़ा भी नजर नहीं आएगा। तेरा बहन के लोड़े बकवास कर रहा है यहाँ पे, तेरे को तो इतने यहाँ पे लोकल जाट, सबसे ज्यादा जाट, मैं बाकी लोगों की बात नहीं करती हूँ, यहाँ लोकल गुड़गांव के जाट बैठे हुए हैं तेरे इंतजार में। आ तो सही, तू यहाँ पे जाट बैठे हुए यहाँ पे तेरे इंतजार में, जाट जो असली जिसे कहते हैं ना लोकल जाट, वो बैठे तेरे इंतजार में, आ जा जरा तू। इसलिए बकवास मत किया कर मेरे साथ लाइव में, प्यार से बोल ले बच जाएगा मेरे साथ, मेरे साथ बदतमीजी करेगा तो तेरी गांड लाल हो जाएगी वहीं पे, फिर जा बैठा है। भाई काय को मेरे को एक्साइटेड कर रही है तेरी बातों से, मैं एक्साइटेड हो रही हूं। आना फिर तो यहां पे बकवास कर रहा है, एक्साइटेड एक्साइटेड है, टिक 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 गांडू बे चचोर बड़ा है यहां पे वो सुन। अच्छा इधर आई, सुन मैं क्या बोल रहा हूं, कश्मीर आएगी बहुत ठंडे, तेरे कण सुन, तुझे मैं बेटा बेटा बोलती हूँ, तेरे तू है ही नहीं लायक, तुझे मैं बेटा बोलूँ सही कहता है, उनके मुंह मत लगो, तू है ही नहीं लायक, नहीं बोलना चाहती, बस छोड़ दे, मेरा मुंह बंद रख दे बस। मैंने तुझे एक बहुत अच्छा रिश्ता दिया था, तुझे एक अच्छा रिस्पेक्ट दिया था, बट तू ना लायक ही नहीं है, बट मैं तेरे को तेरी मम्मी को इस जगह घिसटना नहीं चाहती, क्योंकि तू लायक ही नहीं उस जगह के, कि तेरी माँ को। अच्छा चल नालायक बेटा समझ के गले लगाई, प्यार से बात करियो चूतिया, पता नहीं कहाँ कहाँ का बात लेके जा रहा है, है? इसकी पनोड़ी और मेरी अलग बात है, हमारी अलग बात है, हम एज ए फ्रेंड मैं कुछ भी हम लोग बात करते हैं। बेटा बेटा होता है नालायक के भाई, क्या करेगा नालायक बेटा भाई, दूध पी के भाग जाएगा, उससे ज्यादा क्या करेगा, दूध पी के भाग जाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं गलत करेगा। तू तो कह रहा था, तू तो कह रहा था मैं कभी कंट्रोवर्सी नहीं करूं, कभी बैड लैंग्वेज नहीं बोलूंगा, अब तेरी गांड फट गई, तेरा फेम खत्म हो गया, तू तो अब तू लैंग्वेज पे आ गया, गंदे लैंग्वेज पे आ गया, तेरी यही औकात है, हैं? अच्छा मतलब दूध पीना गलत है। एक बार याद है मैंने क्या बोला था कि एक बहुत बड़ा यूट्यूबर ने कहा था कि शेरनी तुम्हारी और दीपक कलारी कंट्रोवर्सी मुझे दोबारा चाहिए, और मैं आपको उसके लिए जितनी मुंह बोली पैसा चाहेगा उसको भी और मैं भी आपको दूंगा, मैंने बोला मुझे नीचे उसको दे दियो, ठीक है? ये बात मैंने तुझे बोली, महाजन भी था उस टाइम कॉल पे, मैंने बोला नहीं बोला था तुझे, तूने ऐसा किया था कहकर, तूने क्या बोला कि शेर नहीं मुझे कोई कंट्रोवर्सी नहीं करनी है, अब नहीं करनी है मुझे, याद है तुझे वो बात? अरे क्योंकि तब मैं फंड्स मांग रहा था, तुम आ गया मेरे पास, यूट्यूबर ने इसको मुंह बोली कहा, मैंने बोला मुझे पैसा नहीं चाहिए उसको दे दियो, कोई बात नहीं, अगर उसकी वैल्यू डाउन हो रही है तो उसको दे दियो पैसे, मुझे नहीं चाहिए, इसको मुंह मांगी पैसा देने के लिए तैयार था, वो कह रहा शेरनी के साथ कंट्रोवर्सी करो आप, जैसे पहले समवन मैसेज दीपक इज हॉर्नी इन मोर, जो आपका वर्ल्ड कंट्रोवर्सी फेमस हुआ था वो कंट्रोवर्सी शेरनी के साथ दोबारा करो, हैं? ये बहनचोद ये पक्षचोद कर रहा है यहाँ पे मेरे साथ, बहनचोद फिर कहता मैं दारू नहीं पीता, दारू पी के बकवास कर रहा है, बनाता मादर का लोड़ा, नहीं दारू नहीं पीता दीपक का पीता था। बहन जो दारू नहीं पीता है, बिना दारू पिए लोगों की दारू उतार देता है कलोड़ा, ये मेरी दारू उतार दी इसने, चार ना दीपक नहीं कट करता भाई, ये तो ये नहीं मान सकता दीपक नहीं पीता। तू सुन, तू बकवास मत कर, तू बकवास मत कर, तेरे साथ मैं लाइव पे जो मैं अभी चल जाऊंगी, मेरे यहाँ पे काट के तू ज्यादा इसके फेवर में लेगा ना, मैं भी चल जाऊंगी, ये ना चल आराम से बात करना, आराम से बात, ये ऐसा बंदा है चढ़ी चढ़ी उतर जाए बहन चो सामने वाले मेरी चो उतर गई बहन चो दे यहाँ पे, एक पैग और बना ले कोई दिक्कत नहीं, चेयर कर बनोड़ी का बकवास कर रहा है, इनो फेस बना लेता, देख ऐसा लग रहा है तेरी दारू उतर गई है, गुस्सा करके भाई तू चोली भी उतार देगी, इसका फेस देख जैसे इसने 10 लोगों ने गांड मार के ना लिटा रखा हो, देख फेस देख इसका, 10 लोगों ने इसकी गांड मार रखी हो, ऐसा फेस दिखा रहा है, देख कितना चूतिया बन रहा है बहनचोद,
लोगों का गल्फ आता है। फिर ऐसे इसने मेरे मुंह से ना उस टाइम बैड लैंग्वेज निकलवाई थी। ये मैं सच में कहती हूँ दीपक, मैंने शुरू से तुझे कहा यू आर वेरी, जिसे कहते ना मास्टर माइंड, जिसे कहते हैं तेरे जैसा जिसका दिमाग हो ना कोई नहीं पैदा हो सकता। और मैंने उस टाइम भी तुझे सल्यूट किया जब तूने मुझे झंडे वाले में सीन में फंसाया था अपनी बातों से, ठीक है। उस टाइम भी मैंने तुझे कहा मास्टर माइंड है तू, मान गई मैं तुझे। तू बातों से लोगों को इतना पागल कर देता है, इतना पागल कर देता है कि वो क्या क्या बोल देता है सामने से। यू आर वेरी मास्टर माइंड, सल्यूट है तुझे इस मामले में, तुम मानना पड़ेगा। पर एक चीज और बताती मैं तुझे कि तू सगा किसी का भी नहीं है, सगा तू किसी का भी नहीं है, ये भी मैं बताती हूँ। सगा किसी का भी नहीं है, चाहे तू किसी को भी सम टाइम के लिए यूज करता है, फेम में ला देता है उसको, फिर यूज करता है उसके गाड़ में लात मारता। सगा तू किसी का भी नहीं हुआ आज तक भाई। ये बंदा 5 साल से जानता है, ये जो ऊपर बैठा है ना 5 साल से जानता है। नहीं नहीं, ये इसको भी पता होगा। अच्छा चल झूठ मत बोलियो, रात का टाइम है, पनोड़ी ये सगा है किसी का? चल एक बात बता दे मुझे, यही तरह सच्चा झूठ नहीं पता लग जाए, सगा है किसी का? सच बताइयो। वो सिर्फ मेरा ही सगा है, क्योंकि उसको पता है कि उसको हमेशा यहाँ से फंड्स मिलते रहेंगे। ये पता सगा है किसी का ही है, बाकी जितने लोगों पे इसने यूज किया, किसी को यहाँ बना दिया, वहां बना दिया, गुज्जर कौम छत्तीस बरादरी ये वो, सगा है किसी का बता दे मुझे। वो एक बंदे का ही सगा है, वो है पनौड़ी, क्योंकि उसको हमेशा पता है कि यहाँ से हमेशा फंड रिलीज होते रहेंगे। भाई इस सब ने सब कुछ दिया, पनौड़ी ने एप्पल आईफोन दिया मुझे, ये देखिए गिफ्ट पनौड़ी का है भाई, मेरा चूत का बाल, सबने सब दिया मुझे, जो सबसे महंगा गिफ्ट है वो मुझे पनौड़ी ने दिया। तू सुन, तू है एक नंबर का लालची, तेरे को ना सुन, इसने कितना फोन दिया तुझे, ज्यादा कितने का होगा वो, 1.5 लाख का होगा, 1 लाख का होगा, 2 लाख का होगा, तुझे किसी ने 5 लाख भी नाम कर दिया ना तेरे, तब भी बहन चो तू किसी का सगा नहीं हो सकता। ये तेरी खासियत है, ये मैंने देख लिया तेरे अंदर, तू किसी का सगा नहीं हो सकता। जब तू दिल्ली आया था रो रहा था ना तू, ये शेरनी मेरे पास पैसे नहीं है, पेटीएम किए थे ना मैंने, ठीक है, रो रहा था ना तू उस टाइम में, तू बहन चोद, तू मैंने एक वर्ड पे, मैंने ये नहीं सोचा कि तूने मेरे बेटे के लिए मेरे लिए क्या बोला, क्या बात हुई, तूने एक कॉल करके रोया, मैं वही बिल्कुल जिसे कहते ना ठंडी होके, बिल्कुल जैसा हर बात भुला के मैं तुरंत तुझे जैसे तूने पेटीएम किया मैंने बोला उसको कैसे चूतिया बनाया मैंने, उसका कैसा उद्दू काटा मैंने। हाँ ये भी मैंने सुना, ये रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, मैं सुना सकती हूँ आप लोगों को। सिनेजी जी भी वहां पे थी, ठीक है, देख मैंने देख शेरनी को कैसे चूतिया बनाया, क्या ये है इसके औकात, ये इसके औकात, ये भैंचोद के औकात है भाई। मेरे को देख मजा आता है हराम का खाने में, पैसा बथेरा है, पैसे वाले का बंदा हूँ भाई, हराम का खाता हूँ, मजा आता है। जिस दिन तू ना सुन, जिस दिन तू शेरनी के ना चूत के लपेटे में आ गया ना, जिस दिन उसने अपने बाल से लपेट दिया ना तुझे भैंचोद, तू ना कभी खड़ा होने लायक नहीं रहेगा, बता रही हूँ तुझे, मादर के लौड़े तू खड़ा होने लायक नहीं रहेगा। तुझे राखी सावंत ने यूज किया होगा, शेरनी ने नहीं यूज किया अभी तक, शेरनी ने तेरे ऊपर पैसे दिए होंगे, राखी सावंत ने तुम्हें पैसे। और अगर सुन शेरनी, मैं तेरे मुंह में मुत के जाऊंगा, बता। चल चैलेंज आज पूरे कितने लोग बने हुए यहाँ पे, मुझे दिख नहीं रहे यहाँ पे व्यूअर। चल इस चीज को रिकॉर्डिंग कर ले, सुमित रिकॉर्डिंग करियो, चल दीपक कलाल तू गुड़गांव आके दिखा दे, इस बार गुड़गांव आके दिखा दे, चल मुंह पे हिम्मत है तो बहुत दूर की बात है, तू गुड़गांव से बच के निकल जाए ना, उस दिन मेरे ना वाक्य में मैं कहती हूँ मेरा मुंह और तेरा मुंह, चल आ जा। मेरा मुंह और तेरा मुंह क्या बोल रही है? हाँ तेरा मुंह तो और मेरा मुंह, मैंने ये बोला जिस दिन तू गुड़गांव आ गया था, बहन चोद पूरा खट्टा पानी पी ली, क्या कह रहा तेरे मुंह पे, अबे बहन जब तू वो तो मुझे पहले ही पता, तू किसी का सगा नहीं है मादर के लौड़े, तू किसी का सगा नहीं है, किसी का सगा नहीं है, तू किसी का सगा नहीं है। पर हम भी तो सिस्टम बनाए बैठे है ना, हम कोई अच्छे खिलाड़ी है क्या? आई एम यू नो 30 ईयर्स ओल्ड, 22 साल की बेटी की माँ हूँ, ऐसी 20 साल की लौंडिया नहीं हूँ मैं, तेरी चूतिया पंथी में आ जाऊंगी
और फेम खाने के लिए ओ दीपक कलाल, ओ दीपक कलाल, ओ दीपक कलाल, दीपक कलाल तेरे जैसा ना मेरे चूत में ना घूमते है नीचे 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 यहाँ पड़े रहते जैसे दीपक कलाल। सुमित मेरे को एक बात बता, सुमित तूने ठोका है क्या इसको, बता इतनी गलत क्यों रही है भयंकर, इसको शांत कर दे तू, अभी तू भी गुड़गांव में रहता है ना, इसको शांत कर दे भाई, ये बहुत उछल रही है। देख ले अब क्या वर्ड बोला इसने। अरे यार मैं तो बैन मान पाया इसको, ये बहुत उछल रही है भाई, बहुत इसको अभी आग लग गई है ना। मैं इतना उछल रही हूँ कि तेरे जैसे ना हजार को ना ऐसा मूत में फेंक दू, मैं मूत के फेंक दू बहन चोद, इतनी उछल रही हूँ। और सिंगल हूँ, विडो हूँ, विडो, कोई बैकग्राउंड नहीं है, एक ही बैकग्राउंड है और सुमित अच्छी तरह जानता है कौन है बैकग्राउंड है। बहन चोद तुझे वहीं से उठा के ना गांड ऐसा ना इतना मारेगा ना मादर चोद, भूल जाएगा इंस्टाग्राम में शक्ल दिखाना भी। इसलिए मेरे से बदमाशी मत कर, मेरे से बता, मैं सबसे नंबर वन गुंडी हूँ, मैं गुड़गांव की नंबर वन गुंडी, जिसे कहते लोग गुंडा बोलते हैं, अपने आप को बदमाश बोलते हैं, डॉन बोलते हैं, मैं गुंडी हूँ एक नंबर की, मेरे से पंगा मत लियो, मैं नंगड़ हूँ, मुझे मार दो, मुझे गोली मार दो, गांड में दम है तो बस, बाकी मेरे से पंगा मत लो, इतनी गुंडी हूँ बहन की लौड़ी में। और ये जिसे पूछ रहा ना सुमित, सुमित ये अच्छी तरह जानता है मेरे बारे में, और ये बोल के दिखा दे मेरे बारे में। अच्छा चल मेरे रॉकेट पे बैठेगी। तू मेरे मुंह पे बैठेगा, तू मेरे मुंह पे बैठे, तू मेरे मुंह पे बैठेगा, आजा आजा। सुन तू एयरपोर्ट के पास में रहती है, मेरे को मेरा रॉकेट लॉन्च करना है, बैठेगी। और सुन तू मेरे मुंह पे बैठेगा, मुंह पे मुंह जानता ना, मुंह मुंह दारू पी के मुंहती हूँ मैं, दारू पी के मुंहती हूँ, और तूने इतना पिया नहीं होगा जिंदगी में जितनी मैं इस एज में पी चुकी हूँ, ठीक है, दारू पी के मुंहती हूँ, ठीक है, आजा मेरे मुंह पे, ऐसे तेरे पहचो तुझे मूत में ऐसे निकालूंगी ना, तू रपड़ता हुआ ना, जहाँ तेरा टाउन है ना, कहा है तू, तो कहाँ बोलता है गोवा के, कहाँ का बोलता है अपने आप को बहन का लोड़ा, कभी शिमला, कभी गोवा, कभी कभी पूना, कभी मुंबई, कभी अमेरिका।